रिया रिया ये सारी दवाइयां लाती थी और वो खुद कहता था सुशांत को एक दवाइयां मत लो, मगर रिया चक्रवर्ती उसके लिए दवाइयां लाती थी। आप कह रहे हैं कि आप दवाई देते थे, यानी कि जो दवाई रिया लाती थी उसके लिए आप उस, आप उसको देते थे। सुशांत मामले में पिछले 4 सालों से कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, पर इस मामले में कहा जाता है कि बार बार 2 लोगों का नाम सामने निकल के आया। आखिर उस घर में रहने वाले स्टाफ मेंबर से लेकर कई सारे लोगों का नाम सामने आने के बावजूद आज इस पूरे मामले में क्यों बड़ी खबर निकल के नहीं आ रही है? आखिरकार सुशांत केस में नेता अभिनेताओं के नाम लिए गए, हाल ही में बड़े नेता निकल के आए सामने, बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी, सबूत भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पेश करने की बातें करी, पर आखिरकार ये मामला आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है? और दूसरी तरफ बॉलीवुड की एक अभिनेत्री जिनकी सिचुएशन इस समय कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब है, उनको देख कर आज उनके फैंस कहीं ना कहीं उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कौन है वो, आपको उनसे भी मिलाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे अपील करते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हम पिछले 4 सालों से सुशांत केस को लेकर बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डेफिनेटली सुशांत के जो फैंस हैं उनकी क्वांटिटी आज भी आप नहीं पता कर सकते कितनी क्वांटिटी में सुशांत के फैंस आज के टाइम पर इस दुनिया में कहा जा रहा है कि प्रेजेंट हैं, ये आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते क्योंकि उनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है जितनी शायद ही किसी के फैन की हो। हर जुबान में सुशांत का नाम आपको दिख ही जाएगा। पर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में आज हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं सेम वही बातें चल रही हैं, बातें सेम वही चल रही हैं, पर डिसीजन इस मामले में निकल के नहीं आ रहा। पिछले 4 साल से वही तो चीज़ें सेम चल रही हैं, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोलता? आखिर 4 सालों से मामले में कुछ निकल के नहीं आ रहा तो सेम वैसे ही तो चल रहा है जैसे 4 साल पहले चल रहा था, ये सवाल क्यों कोई नहीं पूछता? आखिरकार 4 साल पहले भी तो हम सरकार से ये मांग करते थे कि इस मामले में जो भी सच है वो सामने आना चाहिए। आखिरकार जो एजेंसी जाँच करने आई है वो कहीं ना कहीं अपनी जाँच को पूरी करे, कंक्लूजन सामने रखे, बस यही तो चाहती है देशी जनता, पर ये भी नहीं हो रहा 4 सालों से। आखिरकार उनके घर पर रहने वाले स्टाफ मेंबर पर सवाल उठाए गए, उनके साथ रहने वाले कई जो उनके घर पे काम करते थे, नौकर हो, मैनेजर हो, कई सारे लोग हैं, सब पे सवाल उठे, रिया पर सवाल उठा, NCB जांच करने आई, ED आई, CBI आई, जांच करी गई, फॉरेंसिक टीम भी आई जांच करने के लिए, पर उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या निकल के आया आज तक, ये सबके सामने है। इन सब के बावजूद लोग सवाल उठाते हैं तो किस पर, जो सुशांत का नाम लेता है उस पर, उन पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं जो इस पूरे मामले में पिछले 4 सालों से कुछ निकाल नहीं रहे हैं। यहीं पर अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि सुशांत के साथ रहने वाले स्टाफ मेंबर के बयान आज भी कहा जा रहा है कि अगर आप देखोगे तो आपको सबके बयान अलग अलग दिखेंगे, नज़र आएंगे, सुनोगे आप तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी लाइनें आपको सुनने को मिल जाएंगी जो आपको ये कंफर्म कर देंगी कि भैया ये कहीं ना कहीं अलग अलग बयान दिए जा रहे हैं। पिठानी का बयान सुनोगे तो वो अलग लगेगा, दीपेश सावंत तो सामने कभी आया ही नहीं, उसके अलावा जो घर पर रहने वाले लोग थे उनके बयान सुनोगे आप तो उनके बयान में भी आपको फ़र्क साफ साफ दिखाई दे जाएगा। तो आखिरकार सुशांत केस में पिछले 4 सालों से इतनी बड़ी चीज़ें निकल के आने के बावजूद क्यों उसका सामने नहीं आ रहा? आप खुद सोचिए 4 साल पहले जो मामला होता है उस मामले में बहुत सारी सवाल उठाए जाते हैं, CCTV फुटेज को लेकर, 2 बॉडी को लेकर, स्ट्रेचर के साइज को लेकर, एम्बुलेंस को लेकर, PM की रिपोर्ट को लेकर, PM रात में क्यों फटाफट हुआ उसको लेकर, आखिर इतने सारे सवाल उठाने के बावजूद आज तक कुछ नहीं निकल के आया। वो एक पिकनिक स्पॉट लग रहा था जहाँ पर सुशांत की डेथ हुई थी, जो सोसाइटी में डेथ हुई थी, उसके बावजूद कहा जा रहा है कि लोगों ने सवाल उठाए पर उन सवालों के जवाब नहीं मिले। मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल उठाए गए, आखिरकार मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल तो इतने ज़्यादा उठे कि आज तक कहा जा रहा है कि लोग मिस्ट्री गर्ल को लेकर सवाल पूछते हैं। कई लोग रिया का नाम लेते हैं, कई लोग किसी और का नाम ले लेते हैं, पर आज भी कोई नहीं जानता कि मिस्ट्री गर्ल के तौर पर वो कौन था। आप खुद यकीन नहीं करेंगे कि आखिरकार 4 साल होने के बाद भी आज भी सुशांत के फैंस सोशल मीडिया पर सुशांत के लिए आवाज़ उठाते हैं, आज भी सुशांत के फैंस जानना चाहते हैं, सुशांत के जो फैंस हैं, कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था उस रात, आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, क्या चल रहा है। इन सब चीज़ों को लेकर आज भी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, पर आखिरकार सुशांत मामले में क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों को जानने का हक तो है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि जल्दी इस पूरे मामले के अंदर कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आ जाएगी। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बॉलीवुड इस पूरे मामले में शांत था, बॉलीवुड ने आज तक इस पूरे मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी है,
हाँ, कभी सुशांत की याद आती है तो कुछ लोग सुशांत के लिए ट्वीट कर देते हैं या फिर सुशांत की फ़ोटो शेयर कर देते हैं, इंस्टाग्राम में कोई मैसेज शेयर कर देते हैं, पर सुशांत मामले के बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाती है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कहा जा रहा है कि किसी के मुँह से ये नहीं निकलता कि भैया सुशांत मामले की जाँच हो रही थी, क्या निकल के आया उस जांच में, रिपोर्ट कहां तक पहुंची, जांच कहां तक पहुंची, रिपोर्ट कब आएगी, कंक्लूजन कब निकल के आएगा बाहर, इन सब चीज़ों को लेकर किसी ने कोई अपडेट ही नहीं दी। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर किस प्रकार ये पूरा मामला चल रहा था। इसी के बीच अगर हम बात करें तो बॉलीवुड की और टीवी इंडस्ट्री के एक फेमस कलाकार हैं जिनकी सिचुएशन असही में ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर उनको लेकर आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब उनकी तबीयत सही होगी और कब जो उनके फैंस हैं उनको अच्छा होते हुए देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हिना खान की। हिना खान को आज के टाइम पर सब लोग जानते हैं, टीवी सीरियल से लेकर उन्होंने कई सारे कहा जा रहा है कि जो सॉन्ग्स आते हैं उसमें काम किया है और कहा जाता है कि कई जगह पर हिना खान को स्पॉट किया जाता है। पर हाल ही में कहा जा रहा है कि जो हिना खान है उनकी तबीयत सही नहीं बताई गई, ब्रेस्ट कैंसर बताया गया उनको। और पहले हमने देखा था कि किस प्रकार उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे थे, उन्होंने अपने बाल कटवाए थे, पर अब हाल ही में एक और वीडियो सामने निकल के आ रही है जिस वीडियो में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार हिना खान अपने बालों को ट्रिम कर रही हैं। और ये वीडियो देखने के बाद उन्होंने मैसेज भी शेयर किया है और एक तरफ उनके फैंस उनके लिए दुआ कर रहे हैं क्योंकि उनको कीमोथेरेपीज उनकी चल रही हैं और जिस प्रकार कहा जा रहा है कि वो एक दर्द से गुजर रही हैं वो देखकर उनके जो फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं दर्द में दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद यही करेंगे कि हिना खान जल्दी ही स्वस्थ हो जाएं, पर देखा जाए तो हिना खान के जो फैंस हैं वो उनके लिए लगातार दुआ कर रहे हैं। अब आप यहीं से सोच सकते हैं कि जो फैंस होते हैं वो डेफिनेटली जेन्युइन होते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने उस शख्स के लिए दुआ करते हैं जिसको वो अपना मानते हैं। ऐसे ही चाहे वो हिना खान हो, चाहे फिर वो सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे फिर कोई भी हो, जो फैन जिसको कहीं ना कहीं चाहता है, जिसको अपना मानता है, उसके लिए दुआ करता है। तो आपको क्या लगता है कि सुशांत के लिए जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं 4 सालों से वो ऐसे ही लोग हैं? वो बिल्कुल ऐसे या कोई आम लोग नहीं है, वो डेफिनेटली वो लोग हैं जो चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाए। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला टीवी से जुड़े हुए जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का सेम सागर भल्ला टीवी है, फेसबुक का सागर भल्ला है, इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल के साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय।